हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रसमलाई की रेसिपी। बिल्कुल वैसे जैसे आप बाज़ार से लाते हो या फिर हलवाई बनाते हैं, जो बिल्कुल स्पॉन्जियन सॉफ्ट होगी। साथ में आपको देती जाऊँगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक, जिसे फॉलो करके अगर आप बनाते हो तो आपसे कभी भी गलती नहीं होती, आपकी रसमलाई बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। तो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो चलिए देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं बनाना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शीला, वेलकम टू द माय चैनल कुकिंग विद शीला। में फ्रेंड्स, रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए दूध। तो हमने 1 लीटर गाय का दूध लिया, 1 भैंस का। गाय का दूध का हम पनीर फाड़ेंगे। गाय के दूध के पनीर से बहुत अच्छा छेना बनता है। तो इसको हमने गैस पे चढ़ा दिया है, 1 लीटर गाय का दूध है। इससे आप बनाकर देखिएगा, इसके छेने बहुत अच्छे आते हैं। तो इसमें उबाल आ चुका है। अच्छे से उबाल आने के बाद गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। कभी उबलते हुए दूध को नहीं फाड़ना चाहिए, इससे छेना हार्ड हो जाता है। तो इसमें हमने विनेगर लिया है, 1/2 कटोरी विनेगर लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इसको थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम चलाते जाएंगे। दूध को हमको उबालने के 4 से 3 मिनट बाद ही विनेगर छोड़ना है। और चलाते हुए देखिए, वह छेना फट गया है। तो थोड़ा थोड़ा विनेगर डालकर चलाते रहिए, बहुत अच्छा छेना फटेगा। इसके बाद आप किसी भी कॉटन कपड़े पे छन्नी पे रख के इसको छान लेंगे। और ठंडा पानी लेकर इसको ठंडे पानी से या नॉर्मल पानी से, प्लेन पानी से इसको धो देंगे। इससे क्या होगा, जो विनेगर की स्मेल होगी वो निकल जाएगी। या फिर अगर आप व्रत में बनाना चाहते हो तो इसको नींबू से भी फाड़ सकते हो। तो इसको धो देंगे अच्छे से। धोने के बाद इसको हम कपड़े में बांध कर अच्छे से इसका पानी निकालेंगे। इसकी जब तक लास्ट की बूंदें नहीं निकलने लगेंगी, तब तक इसको हम दबा कर पानी निकालते रहेंगे। अब देखिए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं निकल रहा है, तो हमारा छेना परफेक्ट हो चुका है। अब इसको एक थाली में रख देंगे। इसको हमें दबाना नहीं है, बस ऐसे ही रख देंगे। रख के कपड़े से हटाकर अब इसको हम पहले मैश करेंगे। तो इसको हाथ की हथेली की सहायता से, देखिए कितना सॉफ्ट छेना बना है, हमें बहुत अच्छा छेना बना है और ऐसा चाहिए भी हमें। अब इसको हाथ की हथेली से इसको मस लेंगे। इसको ऐसे हथेली से क्रश करते जाएंगे, मसलते जाएंगे। करीबन 8 से 10 मिनट इसको मसलेंगे, जब तक हमारा छेना सॉफ्ट नहीं हो जाता है। अगर आप सुपर स्पॉन्ज बिल्कुल हलवाई जैसी रसमलाई चाहते हो तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसको हाथ की सहायता से हम अच्छे से क्रश करके या फिर मसलते जाएंगे। अब इसमें हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। आप इसकी जगह अरारोट भी ले सकते हो, वो भी 2 से 2.5 चम्मच ही ऐड करेंगे। और उसके बाद हम फिर सेम प्रोसेसर करेंगे। इसको हाथ की हथेली की सहायता से हम अच्छे से फिर मसलेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट एकदम मलाई जैसा छेना हो जाएगा। या फिर ये तेल छोड़ने लगेगा तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि छेना हमारा रेडी हो चुका है। तो देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट बन चुका है। अब इसको हम छोटे छोटे गोलियाँ या फिर जितना बड़ा आप साइज रसमलाई का बनाना चाहते हो, उतने बड़े या छोटे गोल जैसा आकार आप देना चाहते हो तो वैसे बना लीजिए। तो हम हल्का सा इनको चपटा बनाएंगे, हाथ की सहायता से गोली बना के बिल्कुल हल्का सा दबा देंगे। और हम मीडियम साइज़ के बना रहे हैं, अगर आप चाहो तो बड़े भी बना सकते हो। उधर हम छेने की तैयारी कर रहे थे, इधर हमने रबड़ी के लिए दूध चढ़ा दिया था। तो हमने 1 लीटर भैंस का दूध रबड़ी के लिए लिया, फुल क्रीम दूध है, उबाला हुआ दूध। तो मलाई के साथ हम डाल देंगे, इसको हम चलाएँगे। और उबाल आने पे इस पर हम केसर डाल देंगे, जो हमसे स्किप हो गया है। हम आपको नहीं दिखा सकते, पर इसमें जो येलो कलर है वो केसर से है। तो इसमें बॉयल आने के बाद हमने केसर डाल दिया। और इसको चलाते हुए हम रबड़ी की फॉर्म पे लाना है हमें। तो लगातार चलाते हुए इसकी हम बढ़िया से रबड़ी जब हाफ आ जाएगा तो इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी हमने 1/2 कटोरी ली है, क्योंकि रसमलाई बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती है। तो थोड़ी सी चीनी आप ऐड कीजिएगा। बाद इसमें जाएंगे 1/2 कटोरी ड्राई फ्रूट। तो बादाम, काजू, किशमिश और इलायची पाउडर थोड़ा सा डालेंगे। डालकर इनको भी ऐड कर देंगे। और रबड़ी हमको इसकी पतली तैयार करनी, गाढ़ी रबड़ी बिल्कुल नहीं बनानी है, बिल्कुल पतली रबड़ी बनानी है। तो देखिए, हमारी रबड़ी परफेक्ट बनकर तैयार हो गई। हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा 2 मिनट चला देंगे ताकि इसमें ऊपर से साड़ी ना आए। तो इसको हम रख देंगे एक साइड में। अब हम बनाएंगे चाशनी छेना पकाने के लिए। तो हमने एक कढ़ाही रखी है, उस पर 1 कप चीनी डाला है,
इसका मेजरमेंट हम एक कप चीनी लेंगे, 3/4 कप पानी डालेंगे। ये परफेक्ट रेशो रहेगा इसका। अगर आप 2 कप चीनी ले रहे हो तो उसका डबल कर दीजिए। तो हमने पानी डाल दिया। अब इसका हम गैस का फ्लेम ऑन करके इसको लगातार चलाते हुए इसकी एक पतली चाशनी बनाएंगे। सिर्फ बॉईल आने तक का इंतज़ार करेंगे। चीनी में जब अच्छे से बॉईल आने लगे तो हमने जो छेना बना के रखे थे उनको डाल देंगे। और ध्यान रखिएगा गैस का फ्लेम फुल रखिएगा, एकदम बॉईल पे ही डालिएगा। अगर आप ऐसे डाल दोगे तो छेना फट जाएंगे। तो इनको थोड़ी देर हम छुएंगे नहीं, ऐसे ही बॉईल होने देंगे। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद इनको हल्का सा हल्के हाथों से चला देंगे और ढक देंगे। गैस का फ्लेम अब हम मीडियम टू लो कर देंगे और 5 मिनट के लिए ढकने के बाद इनको फिर हम चला देंगे। और देखिए इनका साइज डबल हो गया है, तो छेना बनकर बिल्कुल स्पॉन्जी, बहुत ही सॉफ्ट तैयार हैं। यकीन नहीं मानोगे आप, हलवाई से भी अच्छे ज़्यादा छेना बने हैं। तो हम सारे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर जो हमने रबड़ी बना के रखी थी उसको डाल देंगे, या फिर आप जिसको देना चाहते हो कटोरी में या किसी भी चीज़ में, तो उसमें छेना नीचे रख के ऊपर से रबड़ी डाल दो। तो बनकर तैयार है हमारे सुपर टेस्टी रसमलाई, जिसे आपने एक बार बनाकर खा लिया तो यकीन मानो आप बाहर से लाना बिल्कुल भूल जाओगे। जब आपका मन करेगा आप घर पर ही बनाकर खाओगे। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी रसमलाई बनती है। तो अगर मेरी ये रसमलाई की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। बाय, टेक केयर।